बारी बारी कर बीनती रथ स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में रही भूगत भेदा जगत जीव भर मत विरे नित चारु खानी ज्ञानी जोगे पहला रहे सब मन की ज्ञानी भाग्य जगा मेरा आदि का मिल शादि गुरु आए राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाए ऊंचा से ऊंचा देश है अहवधर टिकानी बिना संत पावे नहीं छुट शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई बिरहन राग जोगाओ के घर पोछु भाई साधु संग कर सार रसो मैं प्यार गाय प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आए घर पौठे बैकुल रहो कैसे दिया घर आए धड़शन रशन तन तरह गहे मन धीर धाये सोरत चरे आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज गढ़ वासा ए आशा मेरे मन बसे रही चीत उदासा विनय सुनो के रोपा करो जीज चरण निवासा तुम बिन कोई समरत नहीं जस मागो दाना प्रेम दादो भरु खा कर खुल अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरत स्वामी शुकर करु गावत रहो नित राधा स्वामी तुम बिन कोई समरत नहीं जस मागो दाना प्रेम दारु बरुखा कर कुल अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरत स्वामी शुकर करु गावत रहो नित राधा स्वामी शुकर करु गावत रहो नित राधा स्वामी बारु बार कर जूर कर सविनय करो पुकार साधु संग महिदेव नितो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदियो नादियो पार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदाय भर बार बार बल जाओ तन मन हर चरण पर काम खुले मगाओ मेहर करी जश कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरण धनी नीत करो तुम सेवो अचल भक्ति महि देवा प्रभु दीनय दीनय नाथ हाथ को हाथ मोहन करो अब राखो नित साधो दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हर मोय प्रभु राखो मेरे लाजो सुंदरे अब मैं परा राधा स्वामी गुरु समरत तुम बिने आवरण दूसरा अब करो दया पुरत कसो तुम दारेति विलंब के दया करो मेरे साए देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ बापे नहे छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साए देव प्रेम की दात
दुख सुख कुछ बापे नहे छोटे सबे ओते बात बारो बार कर जोरी कर सभी नाय कर पुकार साधु संग महिदेव अमितो परम गुरु दातार साधु संग महिदेव अमितो परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकार वक्तं चराचरं तत्पदंग दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञान तीमिरं विश्व ज्ञानं जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सावर्ण्यंगमनुभक्तं तत्पदंग दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः छिद्रपैन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पदंग दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागुरुरधिकं दत्तं नागुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानोत्पन्नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथो श्री जगन्नाथो मति गुरु श्री जगते गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधिरणाधीश गुरु परम दैवतम गुरुर पर तरंगास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगन सतीशं दत्तम शादि लक्ष्यम एकं नित्यं विमलं जलं सर्वाधीशाक्षि भूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुर जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छारो रे मन कपड़े चातुरे पदने बोलो हरि 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 नाम परम ब्रह्म जीवे रोम धर्म धर्म गु कर्म छारो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छारो रे मन भवे रो आशा अजपा नामे करो रे राधे गोविंद राम बदने लोये नयन निरे सदा भाषो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छारो रे मन कपड़े चातुरे पदने बोलो हरि 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 बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्म जीवे रोम धर्म धर्म कर्म छारो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छारो रे मन भवे रो आशा अजपा नामे करो रे राधा बोल 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 राधा बोल
রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল जय गुरु। अभी नामदान का टाइम। जय गुरु। जय गुरु। सभी को साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर मलेशिया सत्संग में स्वागत है। आज हम अपना सत्संग का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए पहले सरोजदा अपना एक ठाकुर जी का गाना सुनाएंगे। उसके बाद हमारे साथ पूजनीय अनुदितिदा यहाँ से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिनके श्रीमुख से हम कुछ ठाकुर जी के बारे में सुनेंगे। तो उसको
आगे बढ़ाते हुए अभी मैं सरोजदा से आवेदन करता हूँ वो अपना गान का शुरुआत करें। सत्यानुसरण, ओ सॉरी सॉरी सत्यानुसरण शुरुआत कीजिए, सॉरी सत्यानुसरण, उससे पहले सत्यानुसरण बंगाली अनिमेश दासदा। जय गुरु, जय गुरु। पिंटू भाई सुना जाच्छे? आगे सुना जाच्छे। परम प्रेमय श्री ठाकुरेर हस्तलिखित सत्यानुसरण बांगला पाठ करछि। अर्थ मान जश इत्यादि पावार आशाय आमाके ठाकुर साजिए भक्त होइओ ना, सावधान हो ठगबे। तोमार ठाकुरत्व ना जागले केह तोमार केंद्र नय ठाकुर नय, फाँकि दिलेई पेते होबे ता। अंध हवा दुर्भाग्य बटे, किन्तु जोष्टिश्युत हवा आरो दुर्भाग्य, कारण जोष्टियोई अनेकटा चक्षुर काज करे। स्कूले गेलेई ताके छात्र बोले ना, आर मंत्र निलेई ताके शिष्य बोले ना। हृदयटी शिक्षक बा गुरुर आदर्श पालनेर जन्य सर्वदा उन्मुक्त राखते हय। अंतरे स्थिर विश्वास चाय, तिनी जाई बोले देवेन ताई करते हबे, बिना आपत्तिते बिना उजोरे बरम परम आनंदे। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अभी सुमित दा इंग्लिश सत्यानुसरण पढ़ेंगे। जय गुरु। ओ यू सुना जाच्छे तो? जय गुरु। हाँ सुनाई दे रहा। ओ यू हु वुड डिवोटीज बी विथ होप फॉर नेम्स एंड रिचेस, डोंट मेक मी अ लॉर्ड एंड मास्टर। Beware, if mastery within awakens not, master center none you have, and deceiving you shall be deceived. To be blind is unfortunate indeed, but to be without a staff is even worse. For the staff does much of eyes work. Going to school only does not make a student, and taking initiation only does not make a disciple. The heart should always be kept open to carry out the orders of master or teacher. Have firm faith within. Whatever he says must be done, and that without objection or excuse, rather with the greatest pleasure. Vande Pushpam. Abhi main Sarojda se nivedan karta hu kuch gana sunane ke liye. Jai Guru. Jai Guru. जय गुरु। आवाज आ रही है? हाँ दादा क्लियर है। जय गुरु। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत के डो। ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, तुम रहते अंतर में नामी, तुम रहते अंतर में नामी, तुमसे ना टूटे कभी प्रीत के डो। प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत के डो। तुम देते हो ज्योति तभी दर्शन हो पाता है, वाक तुम्हीं से पाकर वाणी वचन सुनाता है, अभिलाष जगाता है, अभिलाष जगाता है। तुम देते हो ज्योति तभी दर्शन हो पाता है, वाक तुम्हीं से पाकर वाणी
वचन सुनाता है, अभिलाष जगाता है, अभिलाष जगाता है। ओ मेरे मालिक भाग्य विधाता, ओ मेरे मालिक भाग्य विधाता, तुम पालक हो पोषण करता, तुम पालक हो पोषण करता, रक्षा नहीं जीवन की तुमको छो, प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुम से ना टूटे कभी प्रीत के डो। तुम्हारे सुर बंधन में जग जब तान मिलाता है, इष्टायन एक मंत्र मधुर संगीत सुनाता है, तन मन हर्षाता है, तन मन हर्षाता है। ओ मेरे जीवन नाथ नारायण, ओ मेरे जीवन नाथ नारायण, तुम प्रेमन करते आपूरण, तुम प्रेमन करते आपूरण, आज लगे ना अब संसार कठोर, प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुम से ना टूटे कभी प्रीत के डोर। शोक कष्ट संताप सभी अभिशाप मिटाता है, तुम्हारे चरण का आश्रय ही उन्मुक्त कराता है, विश्वास दिलाता है, विश्वास दिलाता है। शोक कष्ट संताप सभी अभिशाप मिटाता है, तुम्हारे चरण का आश्रय ही उन्मुक्त कराता है, विश्वास दिलाता है, विश्वास दिलाता है। ओ मेरे त्राता रक्षाकारी, ओ मेरे त्राता रक्षाकारी, तुम पतित पावन भयहारी, तुम पतित पावन भयहारी, लगे नाभ कोलाहल जग का शोर, प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुम से ना टूटे कभी प्रीत के डोर। ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, ओ मेरे दाता जीवन स्वामी, तुम रहते अंतर में नामी, तुम रहते अंतर में नामी, तुमसे ना टूटे कभी प्रीत के डो, प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत के डो, प्रभु तुम से ना टूटे कभी प्रीत के डो, प्रभु तुम से ना टूटे कभी प्रीत के डो। जय गुरु, जय गुरु।
हम सरोज दास से निवेदन करते हैं और एक गाना सुनाने के लिए, उनके बाद हम पूजनीय अनुदिति दास से कुछ सुनेंगे। जय गुरु। दीन बंधु दीन नाथ है तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीन नाथ हे तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। बिन तेरे ये जीवन मेरा, बिन तेरे ये जीवन मेरा अंधियारा काला में खोया। तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा, चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा आलोकित करे भुवन सारा, आलोकित करे भुवन सारा। करुणांकित तेरे मुस्कान ने, करुणांकित तेरी मुस्कान ने जग में शांति स्वस्ति नाया। तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीन नाथ हे तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। परम प्रिय है तुमको पाकर अयुत आनंद मुझ पर छाया, अयुत आनंद मुझ पर छाया। परम प्रिय है तुमको पाकर अयुत आनंद मुझ पर छाया, अयुत आनंद मुझ पर छाया। शून्य हृदय में प्रभु भरनाथ है, शून्य हृदय में प्रभु भरनाथ है। अमृत धारा तुमने बहाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीन नाथ हे तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया।
बिन तेरे ये जीवन मेरा, बिन तेरे ये जीवन मेरा अंधियारा काला में खोया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। जय गुरु। सरोज भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ साउथ ईस्ट एशिया सत्संग की तरफ से हमारे साथ आज जुड़े हुए। धन्यवाद दादा। जय गुरु। सत्संग को आगे बढ़ते हुए मैं साउथ ईस्ट एशिया सत्संग की तरफ से पूजनीय अनुदिदी दा को हमारे सभी सत्संगी गुरु भाइयों माओ के तरफ से जय गुरु और प्रणाम। आज आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ ऑनलाइन सत्संग में यहाँ पे जुड़े हुए, इसी के लिए धन्यवाद। और अभी आप अपने सिमुख से हमें कुछ सुनाइए ताकि कैसे हम ठाकुर जी को लेके आगे और भी ठाकुर जी का काम करते रहें। जय गुरुदादा। जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है साहब? जय गुरु। आवाज आ रहा है? आ रहा है दादा। जय गुरु। हिंदी में बोलो, बंगला में बोलो, इंग्लिश में बोलो? हिंदी में बोलिए दादा, नहीं तो मिक्स करके भी बोल सकते हैं। जय गुरु। कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बोलते हैं, कोई मुझे दिक्कत। जय गुरु। यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भाइयों को मेरा श्रद्धास्पद जय गुरु। ये परम पिता के चरण में मेरा प्रणाम। कि आज भादो का समापन होने के पश्चात भी हम ठाकुर जी के चरण में आके हम जुड़े हुए हैं और ये हमारा उपलब्धि है। ये विपत्ति के समय हमें ऐसे परिस्थिति ऐसे उत्पन्न हुआ कि हम आपस में मिल नहीं सकते, लेकिन बिना मिले भी हम इतना आसानी से हम सत्संग में उपस्थित होके सब एक दूसरे के साथ बैठकर एक ही समय में ये ठाकुर जी को साथ लेकर चलने का जो हम कार्यक्रम शुरू किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस विपत्ति के समय। किसी ने नहीं सोचा था कि ऑनलाइन सत्संग इस तरह से सारे पृथ्वी में जुड़ जाएगा, लेकिन आज हकीकत है कि सारे पृथ्वी में बहुत जोर शोर से ऑनलाइन सत्संग हो रहा है। अब ये बात ये आती है कि हमें आवश्यकता क्या है सत्संग, क्योंकि हम सब ये जो सत्संग में जुड़े हैं सब अपने अपने मोबाइल से जुड़े हैं, ज्यादातर लोग अपने मोबाइल से या लैपटॉप से जुड़े हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं मोबाइल का चार्जर या लैपटॉप का चार्जर ले लूं, आप कितने दिन चल पाएंगे? ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, जितने दिन बैटरी चल जाए उसके बाद वो मोबाइल कोई काम का नहीं रहेगा या वो लैपटॉप कोई काम का नहीं रहेगा। इसी तरह हम जब तक ठाकुर से जुड़े हैं हमें भी आवश्यकता है कि जो नेगेटिव दुनिया में हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हासिल हो, और इस पॉजिटिविटी हासिल होने के लिए हम क्या करते हैं, हम ठाकुर जी के साथ जुड़ जाते हैं। अकेले घर में बैठ के हर आदमी जोड़ सकता है, लेकिन उस जोड़ने में और साथ जोड़ने में शक्ति बहुत ज्यादा हो जाता है साथ जोड़ने। ये ऐसा बात है कि ये हमें इम्पेटस करता है, हमें एक राह दिखाता है कि हम सब साथ करके ठाकुर जी के साथ जुड़े। और ठाकुर जी के साथ जुड़ के दो चीज जो ठाकुर जी अच्छा बताए हम वो अध्ययन करें, सोचे विचारे और उसको अपना कर्म में परिणत करने का प्रयास करें। ठाकुर जी ने इसीलिए कहा है, आप सतनाम मनन करो, सत्संग के आश्रय ग्रहण करो, मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हारे उन्नयन के लिए तुम्हें आज सोचना नहीं पड़ेगा। बात वही है कि अगर हम सतनाम मनन करते हैं और सत्संग के आश्रय ग्रहण करते हैं
तो बाकी आपने आप फॉलो करता है कि आपको बाकी कुछ चिंता ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, हमें सत्संग में जोर शोर से जोड़ना चाहिए। अब सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग के मतलब हम सब मिलके सत का सत करें। अब ये शब्द मैं जहां तक मुझे याद है या मैं जहां तक पढ़ा हूँ, पहली बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ संत कबीर जी ने जब एकत्रित होके सब मिल बैठ के भगवान के चर्चा करते थे, तो उस चर्चा को वो सत्संग का नाम दिए थे। तो वहीं से ये शब्द चले आए कि हम सब एक साथ सत का संग करेंगे, अच्छाई का संग करेंगे, और अच्छाई संग करने से अच्छाई का वृद्धि होगा, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा जो शक्ति है हमारे अंदर वो वृद्धि होगा। अब देखिए ये शक्ति वृद्धि बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है ये सत्संग। हमें करना क्या है, ठाकुर जी का गुणगान करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, और ठाकुर जी का चर्चा करना है। इससे आसान क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बैठ के सुनना है, अध्ययन करना है, और उसको जीवन में प्रतिफलित करने की चेष्टा करना है। मैं एक घटना बताता हूँ, मैं बहुत छोटा था तो मैंने सुना था, दानुदा, हम उनको दानुदा बोलते थे, उनका भला नाम तो शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी इस समय। वो जोर शोर से उनको जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो जोर शोर से जगह जगह में जाके सत्संग करते थे, और इतना इंटेंसिटी से ठाकुर जी के बारे में बोलते थे, मतलब इतना कन्विक्शन से बोलते थे कि जो लोग नहीं भी जानते थे वो सुन के थोड़ा सा ठाकुर जी के विषय में सोचने लगते थे। आज की बात मैं कर रहा हूँ, ये 70 दशक की बात कर रहा हूँ, जब ठाकुर जी के बात ही बहुत कम लोग जानते थे। तो वो एक जगह सत्संग करने गए थे और सत्संग के दौरान पावर कट हो गया, लेकिन वो खूब जोर शोर से ठाकुर जी के बारे में बात बोलते रह गए। ठाकुर जी के 6 फोटो के ऊपर एक बल्ब चल रहा था, जो करीब मेरे ख्याल से उस जमाने में तो छोटे मोटे बल्ब नहीं मिलता था, या तो 100 मिलता था, 500 मिलता था, या 60 वाट 40 वाट मिलता था। तो वो जहां तक मैंने सुना है वो 500 वाट का बल्ब वहां लगा रखा था ठाकुर जी के ठीक सिर के ऊपर, जो फोटो थे ताकि ठाकुर जी को बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे। तो वो बोलते गए, सत्संग होता गया, चलता गया, भाषण देते गए ठाकुर जी के बारे में, बोलते गए, और जितने देर बोलते गए उतने देर सब लोग बैठ के सुन रहे थे, लाइट जल रहा था, सब बैठ के सुन रहे थे। किसी को ज्ञात नहीं हुआ कि पावर कट हो चुका है, क्योंकि वो बल्ब बंद नहीं हुआ, वो जितने इंटेंसिटी से बोले उतने देर बल्ब चला रह गया, और पूरा बोलना समाप्त हो गया, वो बोल के खत्म किए, जैसे प्रणाम किया बल्ब फट से बंद। तो ये होता है सत्संग की महिमा, अगर आप दिल से ईमानदारी से ठाकुर के विषय में बोलते हो तो जो प्रकृति है वो भी आपको ऐसी ऊर्जा प्रदान कर देता है कि पावर के बिना भी वो इलेक्ट्रिक बल्ब जलता रह गया तब तक जलता रह गया जब आपने जो बोलने का जो क्षमता है उससे उन्होंने ऊर्जा प्राप्त करके उसी पीछे जलता रह गया। तो यही बात होता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, क्योंकि बहुत कुछ अभी साइंस समझ नहीं पाया क्या है। हम साइंस में बोलते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। ये जो मैं जबान से बोल रहा हूँ, मैं अपने घर में बैठे ठाकुर जी के साथ सामने, ठाकुर जी के साथ जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपके पास पहुंचा रहा हूँ, और आप उसको वापस साउंड मीडिया में कन्वर्ट करके आप सुन रहे। तो ये जो एनर्जी हम यहाँ से प्रदान किया ये लॉस्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ एक मीडियम से दूसरे में कन्वर्ट हुआ, वापस भी कन्वर्ट हुआ। तो इसी तरह क्या, हम जो भी कुछ भी बोलते हैं
अगर हमें उतना क्षमता है तो उस एनर्जी को हम किसी भी मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस कन्वर्ट करने के लिए हमें वो क्षमता चाहिए कि जिससे हम वो एनर्जी को किसी मीडियम से किसी मीडियम में कन्वर्ट करें। वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे किसी मीडियम से किसी मीडियम को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? और ठाकुर ने बड़े आसानी से ये आपको सिखा दिया है कि आप वो कर सकते हो। वो क्या है? नाम ध्यान। अगर मेडिटेशन ईमानदारी से बैठ के किया जाए, ईमानदारी से, ईमानदारी मतलब आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को कुछ प्राप्त करने के लिए, सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए अगर मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर ऐसे क्षमता हो जाती है कि आप ऊर्जा को अपने अनुसार किसी भी तरह से आप उसको परिवर्तन कर सकते हो। मैंने सुना हुआ है कि जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि नाम ध्यान करते थे, वहां अपने जगह में बैठ के वो बैठे रहते थे, ध्यान स्थानक बैठे रहते थे और दूसरी जगह जाके सब देख के आ जाते थे, वापस आके ध्यान अपने शरीर में प्रवेश करके वो सब कुछ समझ लेते थे। तो यही क्षमता जो है, हमारे अंदर जो क्षमता है उसको जगाने के लिए आपको नाम ध्यान करना पड़ेगा। नाम ध्यान करने से क्या होगा, हमारा जो ब्रेन का जो बहुत बड़ा हिस्सा सोया हुआ है, क्या है, हमारा ब्रेन में तीन हिस्सा होता है, एक कॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस। कॉन्शियस का हिस्सा बहुत छोटा है और उस छोटा हिस्सा में भी बहुत कम हिस्सा काम कर रहा है। सब कॉन्शियस में हम जब कुछ सोचते हैं, जैसे आप किसी को देखा, चेहरा देखा, आपको लगा इसको मैंने देखा, इसका नाम मैं जानता हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा, वो क्या सब कॉन्शियस में आपका ब्रेन क्लियर करता है। और अनकॉन्शियस में क्लियर करता है, हम जब सो जाते हैं, परिपूर्ण रूप से सो जाते, पूरे 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 अपने दिल जब सो जाते हो तो क्या होता है, हमारा ब्रेन पूरा पूरा अनकॉन्शियस में क्रिया करता है। तो ये जो हम सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के जो अंदर से हम यात्रा करते हैं अपना शरीर के अंदर, अगर हमें उस यात्रा में कंट्रोल आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अपना ब्रेन को अनकॉन्शियस स्टेट में डाल के उस एनर्जी को लेके मैं बाहर कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसीलिए क्या होता है, जो साधना करते हैं वो जो सोचते हैं, वो जो चाहते हैं, उसको बिना बोले हो जाता है। और ये मैंने अपने जिंदगी में बहुत बार देखा है, जैसे मेरा माता जी, वो कभी बोले कि अच्छा मुझे अभी रसगुल्ला खाने का इच्छा हो रहा है, अचानक देखा किरण चौधरी दा एक बड़ा सा पैकेट लेके घुसे, बोले और दी आईसी अपना जो रसगुल्ला देखिलाम नहीं आईसी। ये एक आध बार, कभी गुलाब जामुन, कभी रसगुल्ला, कभी समोसा, बहुत कुछ ऐसे होते हुए देखा, वो इच्छा करते वो हो जाता था। यहाँ तक कि मैंने देखा है रोबीदा के लड़के हुए थे, मेरा माँ ने नाम रखा था रूरू। अब वो सोचे कि अच्छा ये रूरू नाम तो घर का नाम होगा, वो जाके किसी बड़ा के पास गए और जाके बोला कि मेरा लड़का हुआ है, देवघर जाने के बाद आप नामकरण करो। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी नाम रख दिया रूरू। अब ये ट्यूनिंग होता है, वो ट्यूनिंग तब होता है जब हम नाम ध्यान करते हैं। और इसलिए नाम ध्यान करना अति आवश्यक है। अब नाम ध्यान क्या, हम ठाकुर ने बोला कम से कम 20 मिनट नाम ध्यान नहीं करने से कोई फल नहीं होता है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम 20 मिनट नाम ध्यान करें। 20 मिनट नाम ध्यान करने से ही फल मिलेगा। अगर हम बोलेंगे मैं रोज सिंसियरली 10 मिनट नाम ध्यान करता हूँ तो उसका जिंदगी भर करने से भी कभी कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 10 मिनट में फल नहीं मिलता है। अब बात यह है कि हम बैठे नाम ध्यान करने के लिए और हम सोचे कि हमें इसका कोई फल मिलेगा, उसका मैं उपयोग करूंगा, तब कुछ नहीं। आपको सिर्फ अपना अंतरात्मा से, अपना ठाकुर से जुड़ने के लिए अगर प्रयास करेंगे नाम ध्यान के जरिए, तब आपको उसका आसानी से फल मिल प्राप्त हो जाता है। और वो फल आपको प्राप्त होने के बाद ठाकुर ने क्या कहा, आपको थोड़ा भी कुछ उन्नति होगा तो कोई आपको साधु बोलेगा, संत बोलेगा, कोई भगवान बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा,
कोई व्यवसायदार बोलेगा, कोई बदमाश बोलेगा, आप किसी को तरफ नजर नहीं देना है। आप अपना काम करे जाओ, नामधन करे जाओ, जो होना है होने दो। उन्होंने यही कहा सत्यानंद सर। तो इसलिए क्या है, हमें नामधन तो करना है बिना फल की तरफ देख के, और बिना उस फल का जो रिएक्शन होता है पब्लिकली उसको देखते हुए हमें नामधन करना है। और ये अगर हम ईमानदारी से करें नामधन, तो आपका जो जीवन का जो ज्यादातर समस्याएं है अपने आप हल होने लग जाता है। हम बोलते हैं ईमानदारी से, ठाकुर ने पंच नीति दिया, जजन जजन इष्ट व्यक्ति सोचते नहीं सदा था। लेकिन ये सब रास्ता है उस नामधन को अटेन करने के लिए। अगर हम ये सारे कुछ भी करें लेकिन नामधन नहीं करें, तो वो जो रिजल्ट हमें मिलना है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि ठाकुर ने साफ शब्द में कह दिया है कि अगर आप सारे जिंदगी भर सब कुछ करते रहो लेकिन ईमानदारी से मैंने जो कहा वो नहीं किया, अपने चरित्र में वो गठन नहीं किया, तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठाकुर ने दीक्षा के समय बोला अपने नामधन करने के लिए, इसलिए नामधन करना है। और इस नामधन को सुविधा करने के लिए ठाकुर ने हमें क्या किया, हमें वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर निरंतर नियंत्रण करने के लिए कहा है। तो वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रित रखने के लिए ठाकुर ने कहा है रोज सतनु का पाठ करो। अब रोज सतनु का पाठ करके क्या होगा, हम वो चीज बोलते हैं जो चीज हम करते नहीं है, लेकिन बोलने से भी थोड़ा थोड़ा करना हो जाता है। क्या है, मैं जब बोलता हूँ मेरा कान सुनता है, ब्रेन सुनता है, तो अनकॉन्शियसली मेरा बॉडी में क्रिया होता है। आप देखते ही रहिए, आप रोज बोलिए मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, आप देखेंगे दो चार दिन में आप बीमार पड़ जाएंगे। और आप रोज बोलते जाइए मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम, जैसे किसी का पाँव में दर्द है वो रोज बोलते जाए ना कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पाँव में दर्द थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा है, आप देखेंगे धीरे धीरे करके पाँव में दर्द ठीक हो जाता है। शरीर के अंदर सारे क्रिया होता है कि अगर हम शरीर को बताए वो अपने आप बाकी सब ठीक सुधारने की शक्ति रखता है, लेकिन हम उस शक्ति को उपयोग में नहीं लेते। मैंने देखा है, मेरा माँ ने किसी लेडीज को, नाम नहीं बताऊंगा, उनको वो रोज बोलते थे मेरा बहुत सिर दर्द होता है और ये होता है वो होता है, मैं ये नहीं कर पाता हूँ। माँ ने डॉक्टर से बोला ऐ मुझे छोटा सा शीशी में, होम्योपैथी शीशी में डिस्टिल वाटर थोड़ा सा दे देगा, तो बोला हाँ, तो वो डिस्टिल वाटर लेके दिया। माँ ने उस लेडी को दिया, बोला ये रोज एक ड्रॉप लेना है और संभाल के रखना, ये बिल बहुत महंगा दवाई है, इसको बिल्कुल इधर उधर मत करना। अब बोले कि सुबह खाली पेट एक ड्रॉप लेना है। अब वो रोज वो डिस्टिल वाटर एक ड्रॉप करके लेते थे। अब अपना मन का क्रिया देखिए, वो डिस्टिल वाटर लेने के बाद 5-7 दिन बाद बोला मेरा धीरे धीरे करके मेरा ठीक हो रहा है। आप समझ लो शक्ति कितना होता है हमारे ब्रेन के अंदर, कि मैं जो बताऊंगा उस चीज से ब्रेन पिकअप करके क्रिया करके अपने आप को ठीक कर लेता है। जबकि डिस्टिल वाटर से, एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर से किसी को कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उस एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर ने उसका सारे बीमारी दूर करने लगा। तो ये हमने अपने छोटे से बचपन से देखा है कि अगर आप जो चीज चाहोगे वही बोलोगे वही करोगे तभी वो होता है। आप जो चीज नहीं चाहते वो बोलोगे तो वो आपका, वो अगर बोलोगे तो वो हो जाएगा। इसलिए वो चीज नहीं बोला जाता है कि जो चीज हम नहीं चाहते। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में भी कहा है कि अगर आप ज्योतिष विद्या में देखते हो कि किसी का बहुत कुछ विपत्ति आने वाला है, तो सीधे सीधे नहीं बोला जाता है कि आपको विपत्ति आने वाला है, क्योंकि सीधे सीधे बोलते ही वो सुनेगा तो विपत्ति उसको हो ही जाएगा। इसलिए उसको सावधान किया जाता है कि आपका इस चीज से दूर रहो या उस चीज से दूर रहो, ताकि उस जो बोलने का जो क्रिया है, कान सुनता है, ब्रेन सुनता है,
उससे वो होता है। तो ये क्रिया है हम ईमानदारी से रन ले कि हम ईमानदारी से रोज 20 मिनट नाम ध्यान करेंगे कम से कम, और नाम ध्यान करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। यही ठाकुर का सबसे बड़ा मैसेज है और सबसे बड़ा फॉर्मूला है हमारे लिए। आज के दिन में अगर ये करते जाएंगे तो दुनिया जो ये जो कोरोना वायरस है, मेरे सामने 4-5 केसेस आए, हमने उनको उपचार बताया क्या, विटामिन सी लो, जिंक लो और गर्म पानी लो। देखो गर्म पानी सब लेता है, विटामिन सी सब लेता है, जिंक सब लेता है, लेकिन ये जो मन का बल है ना वो सबसे बड़ा होता है। अगर मन का बल बढ़ा दो, वृद्धि कर दो कि मुझे कुछ नहीं होगा तो कुछ होता नहीं, और यही हमें करना है कि आज के इस परिस्थिति में बहुत जोर से नाम ध्यान करेंगे, सबको अपना ऊर्जा से उससे ऊर्जा प्रदान करेंगे, उनका मन का जो परिस्थिति उसको वृद्धि करेंगे, उनको कोशिश करेंगे कि वो इस आपत्ति विपत्ति से दूर चले जाए। यही हमारे जीवन का एक बड़ा बहुत बड़ा लक्ष्य है आज की परिस्थिति। मैं इतना ही कह के अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। मैं यहाँ जुड़े हुए समस्त व्यक्ति को सर्वांगीण मंगल प्रार्थना परम पिता के चरण में, और जाते जाते मैं दो लाइन ठाकुर का सुना के जाता हूँ आपको। Not far others, you are fatherless, and so for others, let thy goodness blossom. Not in voice only, but in action, you are for the Lord, not for others. You are for the Lord, and so for others. Jai Guru. जय गुरु। दादा प्रणाम। आपके श्रीमुख से हम सुनते ही जा रहे थे तो मतलब छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन तो जो भी है हम आशा करते हैं फिर से हम आपके श्रीमुख से कुछ सुनने का भविष्य में कुछ चांस मिलेगा। तो इतना बोल के सभी गुरु भाई की तरफ से मैं प्रणाम फिर से करता हूँ आपको। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा प्रणाम। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। सरोज दा है ना? हाँ सरोज दा। हेलो। हाँ सरोज दा। जय गुरु। उन्होंने है तो उनको बोलिए भजन सुनाने के लिए फिर से। हाँ 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 सरोज दा है क्या लाइन पे? है पता नहीं, देखो जिनको बोल रही उनको बुला लीजिए। ठीक है ठीक है। अपना निकल गई। क्या दास भी गा सकती है। अच्छा
ठीक है, मैं कियामार से निवेदन करता हूँ, ठाकुर जी के कुछ गाना प्रस्तुत करेंगे। जय गुरु। জয় গুরু, প্রণাম দাদা, সকলকে আমার জয় গুরু। প্রেমী তোমারে প্রণাম, এসেছো তুমি প্রভু নাই নাই আর হয় নাই, তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়া যে ব্যথা আর রোদনে, কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়া যে ব্যথা আর রোদনে, হে মোরে স্বামী নাই আর সন্তান, নাই আর সন্তান নাই, তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, তোমারে লোকিয়া তোমারে সরিয়া কৃতি তপে ভাই তব পথ বাহিয়া, তোমারে লোকিয়া তোমারে সরিয়া কৃতি তপে ভাই তব পথ বাহিয়া, তবহানি আছে কো জানি, তবহানি আছে কো জানি, ধরিয়া রাখিতে সদাই, ধরিয়া রাখিতে সদাই, প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, তোমারি সেবার অমৃত ভবনে অমরণ গীতি আজ ধ্বনিছে ভুবনে, তোমারি সেবার অমৃত কি আমা শোনা যাচ্ছে না?
क्या आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? वो शायद लॉग आउट हो गए क्या माँ ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं अपन नाम से निवेदन करूंगा कुछ ठाकुर जी का गाना सुनाने के लिए। जय गुरु। हेलो अपन नाम है जय गुरु। म्यूट खोलना पड़ेगा अपन नाम का। अपर्णा आप अनम्यूट कीजिए, पहले आपका म्यूट दिखा रहा है। দাদা বলুন অপর্ণমা মনে নিউট ইস্যু হতে পারে। আর কোন গা সকতে নিকি মা গা সকতে হে নিকি মা ভি হে সংকাই নিকি মা হে। জয় গুরু দাদা, আমার নেট চলে গিয়েছিল গান করতে করতে। হ্যাঁ বুঝতে পেরে গেছি আমি। এটা আবৃত্তি করে দেন এখন, নেট আর কি গান আর কি করবেন, আবৃত্তি করে দেন ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা আবৃত্তি করে দেন। জয় গুরু, আমি পূজনীয় দাদার লেখা কবিতা আবৃত্তি করছি। তোমার ডাক আমি কতদিন দেখেছি তোমায় গানে, আর নাহি সাজে তোমা ছাড়া এই প্রাণে। তব ডাক কেন আসে নাহি মোর কানে, তোমার ডাকে হৃদয়তে শান্তি আনে। ঠাকুর তুমি পুরুষোত্তম আমি জানি, একলা আমি তোমাকে শুধু মানি। তোমায় ছাড়া জগতে নেই কোনো প্রাণী, তাই শুধু মনে আমি তোমায় আনি। এদেশ ওদেশ তোমাকে সকলে চেনে, তাদের মধ্যে কিছু লোক চলে তোমায় মেনে। সকল দুনিয়াকে তোমার রসে এনে, তোমার পথে আনবে যখন তাদের টেনে। পৃথিবীতে আসবে শান্তি ওই ক্ষণে, যখন রইবে তুমি সকল প্রাণীর মনে। জয় গুরু দাদা, প্রণাম। প্রণাম দাদা, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু।
আরে গোলোকনাথ জি, পিতুজি সব আপনারা করেন কন্ডাক্ট। আরে জয় গুরু। পিন্টু দা, হ্যালো, জয় গুরু। হ্যাঁ, তো আগে ক্যা করনা হ্যায় আপ বতাইয়ে। আগে তো আবি হো গয়া না, আবি কিতনা 1 ঘন্টা হো গয়া হামারি সৎসঙ্গ কা। আর ভজন হোগা ক্যা? তো আপনি তো এক ছড়া, আপ ছড়া গান শুনাইয়ে। হ্যাঁ, আবি আবি দেখিয়ে। হ্যাঁ, আপ ছড়ার গান এক শুনাইয়ে। টাইম তো হ্যায় আই থিঙ্ক, ওর 15 মিনিট হ্যায়। আচ্ছা, তো আমি এক ভজন করুঙ্গা ইসকে বাদ। ঠিক হ্যায়, ঠিক ঠিক হ্যায়। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। এখানে আমরা সত্যি খুব ভাগ্যবান যে আমাদের সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সাউথ এশিয়া সৎসঙ্গে পূজনীয় দাদা আছেন এখানে, এবং আমারও খুব ভাগ্য যে দাদার সামনে আমি মানে অনলাইনের মাধ্যমে গান করছি। জয় গুরু। হৃদয় কুঞ্জ মে আও না চিতনিকেতন মে, হৃদয় কুঞ্জ মে আও না চিতনিকেতন মে, আও মনোহর স্বামী সুন্দর, আও মনোহর স্বামী সুন্দর, নিশিদিন চমিরন মে, হৃদয় কুঞ্জ মে আও না চিতনিকেতন মে। প্রেমল মুখরা দেখলাও বিরহ বেদনা শান্ত করো, প্রেমল মুখরা দেখলাও বিরহ বেদনা শান্ত করো, দাবিদ চিত কো শীতল করো, দাগিদ চিত কো শীতল করো, রহ অন্ধর মন মে, হৃদয় কুঞ্জ মে আও না চিতন কেতন মে। লাও সুপথ পর ইস জীবন কো
आनंद स्वरूप हे प्रिय परम पथ पर इस जीवन को आनंद स्वरूप हे प्रिय परम करुणा माया हे प्रेमी प्रियतम करुणा माया हे प्रेमी प्रियतम करुणा मायो हे प्रेमी प्रियतम करुणा मायो हे प्रेमी प्रियतम अपने हे सुर में बादो शरण में तुम मुझे को लाओ अपने हे सुर में बादो शरण में तुम मुझे को लाओ सुधा निर्जर से स्नात करो सुधा निर्जर से स्नात करो विराज जीवन में हृदय कुंज में आओ ना चेतन के तन में आओ मनोहर स्वामी सुंदर आओ मनोहर स्वामी सुंदर निशि दिन सुमिरन में हृदय कुंज में आओ ना चेतन के तन में चेतन के तन में चेतन के तन में जय गुरु जय गुरु। दादा दादा मिंटू दा पिंग कर रहे हैं तो उनको एक गाना देके ध्वनि देंगे या कैसे क्या करना है? अच्छा तो करेंगे क्या? मैं दादा से पूछ रहा हूँ, अगर दादा बोलेंगे तो उसी हिसाब से हम ये करके उसके बाद ध्वनि दे देंगे। जय गुरु। आगे बोलिए। एक छोटा सा कीर्तन करके खत्म कर दीजिए फिर ध्वनि दे दीजिए। छोटा कीर्तन 2-3 मिनट। ठीक है ठीक है। ये जय गुरु। तो मिंटू दा करेंगे या ना? करने दीजिए। ठीक है करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है मिंटू दा आप कीर्तन कीजिए तो फिर जय गुरु, उसके बाद धोने दे देंगे। जय गुरु। मिंटू दा जय गुरु, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो अनम्यूट कीजिए। म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा। मिंटू दा अनम्यूट कीजिए। दादा दादा बोलो, मेरी आवाज मिल रही है? ये मिल रही आ रहा है, आवाज आ रहा है। पूछिए दादा को मेरी प्रणाम। महाराज ने अपने को मिलाए पत्थर में सभी को जय तुम
धन्यवाद इनटू द जय गुरु। तो अभी दादा हम ध्वनि की तरफ जा रहे हैं। ध्वनि दे दीजिए। हाँ, विश्वरंजन दा ध्वनि दीजिए आप। जय गुरु। विश्वरंजन दा पिंटू दा, आई थिंक विश्वरंजन दा नहीं है, आप दे दीजिए। ना विश्वरंजन दा है, अनम्यूट करने के लिए बोलिए, म्यूट है। विश्वरंजन दा अनम्यूट कीजिए। जय गुरु दादा। हाँ दीजिए। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, दीजिए ध्वनि दीजिए आप। हेलो आवाज आ रहा है विश्वरंजन दा, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका, आप ध्वनि दीजिए। गोलक दा आप दीजिए, मैं थोड़ा और कॉल पे हूँ। गोलक दा ठीक है दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय, जुगाचार्य श्री श्री बड़दा की जय, प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा की जय, सत्संग की जय, धर्म की जय, आर्य कृष्टि की जय, पिता माता की जय, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय, जय गुरु, जय गुरु। दादा प्रणाम, दादा प्रणाम, सभी को जय गुरु। प्रणाम दादा, जय गुरु। दादा को प्रणाम, सभी आप लोग को जय गुरु। मैं मिंटू लुम्बी गुजरात। दादा दादा निकल, दादा शायद लेफ्ट